नहीं कि इतना भी सस्ते में दे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट आकाश ऑन हाई ऑन स्पीड। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो क्या होने वाला है आज, मैं पहले ही सस्पेंस रिवील नहीं करूँगा, बाद में आपको बताऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, मयंक के पास, जिसको मैंने जिक्र करता था, मेरा क्लासमेट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो उसी से मैं अपना सर्विस कराता हूँ आज तक, मैक्सिमम सर्विस उसी के सर्विस सेंटर से होता है। और उसके यहाँ पे गाज़ियाबाद में ऑलमोस्ट 3 या 4 TVS का शोरूम्स है, तो मैं उसी का मेन ब्रांच पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके बताऊँगा क्या है। सो बने रहो। सो गाइस, ये जो सेटअप है ये एक नया सेटअप है, बिकॉज ये सेटअप मैं यूजुअली यूज़ नहीं करता हूँ। ये मेरा स्टड्स का थंडर वाला हेलमेट है, एंड यस, इसको मैं थंडर को मैं रेगुलर यूज़ सिटी यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि सिटी में इतना हैवी हेलमेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर नेक पेन आ जाता है। वो जो आपका SMK वाला है, SMK का जो हेलमेट है मेरे पास ना, उसमें कुछ डिफेक्ट्स तो है, ठीक है। जैसे वो मेरे को ठीक से बैठ नहीं रहा, उसमें जो फोमिंग पैडिंग है ना, वो जल्दी हार्ड हो गया है ना। जो एक क्या बताऊँ आपको, एक टेक्सचर होता है ना फोम का, वो चला गया है उसमें से, पता नहीं बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी और व्हाट। SMK से मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था, इवन मेल्ड मी टू चेंज माई हेलमेट, बट अल्टीमेटली लॉकडाउन हो गया और अभी तक कोई इंटीमेशन आया नहीं उनकी तरफ से। सो आई थिंक दैट दे डोंट केयर अबाउट देयर कस्टमर्स और व्हाट, आई डोंट नो। लेट्स सी, इफ समथिंग कम्स अप देन आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। तो गाइस, मैं अपने दोस्त के यहाँ पे आ गया हूँ, जिसके बारे में मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बताते रहता हूँ। मयंक जो मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट, एक्स क्लासमेट, अभी तो हम लोग ग्रेजुएट्स हो गए। तो ये है मयंक। ये बंदा यहाँ पे TVS मैनेज रहता है गाज़ियाबाद में। इनका लाइक दे हैव अराउंड 3 to 4 शोरूम्स ऑफ TVS। सो इससे मैं मेरा जब भी मैंने जब सबसे मैंने लाइक जो व्हीकल लिया है उसके बाद से लाइक अब 80% सर्विसेज मैंने यहाँ से कराया, एक्सेप्ट 20% मैंने बाहर से करवाया था। वो कहाँ की आप लोगों को पता ही है। मैं अभी जो मेरे व्हीकल में जो प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो वो मुझे वो जाकर दिखाऊंगा, जो इंजीनियर है दिखाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट शॉक्स का प्रायोरिटी पे है। फ्रंट शॉक्स का मतलब आई डोंट नो, देखते हैं, जो होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। मैं हाय तो बोल दे, जय श्री राम। सो गाइस, आज डे 2 है। एक्चुअली क्या हुआ, कल उन्होंने कहा कि काम बहुत है तो इसलिए स्कूटी रखना पड़ेगा। पहली बार मैं स्कूटी छोड़ के आया हूँ, अब पता नहीं स्कूटी के कैसे वो लोग बिहेव करेंगे। खैर, उनको पता है कि यार ये स्कूटी लेके बहुत दूर दूर जाता हूँ, तो अच्छे से आई होप वो लोग जल्दबाजी में कुछ काम ना करें। जाके देखेंगे कि कैसा सर्विस हुआ है। सर्विस पर डाल ही दिया था आपको, मैं ब्लॉग में दिखाया नहीं जाए तक, सर्विस पर डाल दिया था। तो फिर सर्विस पर डालने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ऑयल निकाला, तो ऑयल में एक चमत्कार हुआ। ऑयल 500 ml ऑयल निकला और बाकी के जो 380 ml गायब था। और मैं ये 500 ml ऑयल लेके कोलकाता से दिल्ली किया था मैंने। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। शायद तक वो जो गैस्केट लीक हुआ था ना, ऑयल लेवल जो है आपका, जो वो जो बटन वाला है ना, उसमें तो ठीक लेवल दिखाता है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल में लाइक अंदर क्या होता है वो जब तक ड्रेन नहीं करोगे ना, वो पता नहीं चलता है। तो यही है, अच्छा हुआ इन सीज नहीं हुआ। खैर, भगवान की शुक्र है। खैर, अभी तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, कॉल कर लिया मैंने दोस्त को, तो देखते हैं कैसा सर्विस होके रखा है। आई होप सो अच्छा ही होगा, अब देखते हैं, जाके दिखाता हूँ। तो गाइस, कुछ ऐसा बिल बना है यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा बिल बना है। खैर, मैं दिखा नहीं सकता, पर्सनल डिटेल्स रिवील हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई के पास फिर आया था मैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। कितना खर्चा है मैं बताता हूँ आपको बाद में। खैर, अभी जाके स्कूटी उठाते हैं। गाइस, फिर से अभी आ गए, सब इस पर काम हो रहा था यहाँ पे। ये देखो, ये दिखा दो तुमको, ये जो है ना,
इसमें व्हील बैलेंसिंग होता है, अपाचे का हो या फिर स्कूटर्स का हो, ये GSTV गाजियाबाद में ये होता है व्हील बैलेंसिंग का, वो है डायनो टेस्ट। सो गाइस TVS रेसिंग का ऑफिशियल मर्च, ये रहा राइडिंग पैंट्स और ये है राइडिंग जैकेट्स। तो अभी इसको ट्राई कर रहे हैं और देखते कैसा क्वालिटी है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है नहीं लेना है। तो ये GSTVS मीरठ रोड, जहाँ पे मैं अभी सर्विस दिखा रहा था ना आपको, वहीं पे है ये। तो जो मेरे स्कूटी में है वो फोक का जो अलाइनमेंट है वो हुआ है, अदर देन दैट जो इंजन का जो हेड का जो कार्बन जमता है ना, वो कार्बन पूरा क्लीनिंग हुई है। अदर देन दैट आपका जो कार्बोरेटर सेट, कार्बोरेटर ट्यूनिंग है वो तो हर सर्विस से ट्यून होती है, अभी भी ट्यूनिंग की गई है क्योंकि थोड़ा आइडलिंग प्रॉब्लम आ रही थी। और क्या हुआ, ऑयल चेंज हुआ है, जो बेसिकली मेरा 500 ml ऑयल निकला था, आपको बता दूँ गैस्केट फिर से फट गया था मेरा ऊपर का जो इंजन हेड का जो कवर का जो गैस्केट है, जहाँ पे आपका जो इनटेक और एग्जॉस्ट का जो जहाँ पे वो लगाते ना, वो जगह पे जो गैस्केट है जो आपको ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा वो फट गया था। एंड अदर देन दैट और क्या हुआ था, और तो कुछ नहीं हुआ ना, हाँ बस दैट्स इट। खर्चा तो अच्छी खासी खर्चा हो गया, खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं अब स्कूटी कैसे परफॉर्म करती है। राइड भी लंबा था यार, एक्सपेक्टेड था, खर्चा तो आएगा, पापा ने पहले ही कर दिया था कि इतना लंबा राइड कर रहे हो तो अच्छे से सर्विस कराना पड़ेगा ही तुम्हें। जाते जाते मैंने सोचा कि सीट का भी मॉडिफिकेशन एक बार कर ही लेता हूँ अगर आया हूँ तो। ये देखो तो सीट खुल गई फिर से मेरी, पूरी हटा के अब इसमें फिर से पैडिंग करूँगा, इस बार थोड़ा मोटा वाला पैडिंग करूँगा जिसके जिससे मतलब थोड़ा ज़्यादा टिके। अब थोड़ा मतलब ये वाला फोम ना ज़्यादा टिकता है कंपेयर टू ये वाला फोम है, ये फोम बैठ जाता है, ये फोम देख रहे हो ये बैठ जाता है, ये फोम जो होता है ना ये जो मेमोरी फोम वाला, ये ज़्यादा टिकता है ये, तो अभी वही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ गाइस कि सीट का पूरा फोमिंग कोर से फिर से फोमिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि वो फोमिंग ख़त्म हो रही थी, तो इस बार ये वाला फोम लगाया इंस्टेड ऑफ दैट, वो जो साइड में ब्लू वाला फोम है वो फोम लगाया वाला पहले अभी ये फोम लगाया गया है, तो यही है। तो ऐसा है ये अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, ये कुछ तो ऐसा बना है इसमें, ये एक नहीं होने से खाली खाली से लग रहा था, तो मैं सोचा वही ऐड करा दूँ। तो गाइस मैं भी वहाँ से निकल चुका हूँ एंड आई एम टूवर्ड्स टू माई होम इन गाज़ियाबाद। तो गाइज आपसे ये सही कहना था, सीट मॉडिफाई कर लिया है, वैसे पहले मेरे को जितना खर्चा आया था सेम एज इट इज़ खर्चा आया, भले ही अभी वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, मैं उनका वेरी ओल्ड कस्टमर हूँ तो उसके लिए वो थोड़ा सस्ते में दे देता है, ऐसा नहीं कि इतना भी सस्ते में दे। अभी जो है मैं वापस जा रहा हूँ, और जैसे आपको मैंने वन मोर थिंग जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस व्लॉग में, दैट इज़ की सर्विस वॉज वर्थ इट, वट एवर आई पेड अराउंड 2,000 rupees टू 2,500 rupees, तो इसके बीच में कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं फिगर्स, क्योंकि बिल अंदर रखा हुआ है और मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, तो अभी ऑब्वियसली राइड कर रहा हूँ। सो इट वॉज वर्थ इट, मेरा फोक्स का अलाइनमेंट हुआ जिसके बाद मेरा सामने का सस्पेंशन अब्जॉर्ब जो कर रहा है बहुत बेटर कर रहा है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से जाऊंगा स्मूथ नॉर्मल, एक स्कूटर जितना सस्पेंशन का एक स्कूटर का जितना सस्पेंशन होना चाहिए उसके हिसाब से, तो इट वाज लाइक गुड। ओके सो नाउ कम्स द सीट के लिए मैंने उतना ही पैसा दिया जितना पहले दिया था, आपको मैंने अभी बता चुका हूँ, तो खैर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक्स बेटर हो गया, जो ब्रेक्स का प्रॉब्लम आ रहा था एक मुझे वो सॉल्व कर लिया, ऑयल मैंने सिंथेटिक जो हमेशा डलवाता हूँ अभी भी डलवा रहा हूँ, इवन कि आप बिलीव नहीं करोगे इतना बढ़िया ये जो ऑयल है, क्या ही मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऑयल मेरे इसमें गैस्केट जो है गैस्केट फिर से चेंज हुआ है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ लॉन्ग राइड आई थिंक गैस्केट जा रहा है बिकॉज ऑफ हॉट प्रेशर प्रेशर के वजह से गैस्केट, चलो अभी तो ठीक है नया डल गया है, तो वाल्व सेटिंग का ज़रूरत पड़ा नहीं,
कार्बन हेड का जो कार्बन है उसको क्लीन किया गया है। ये 18,000 किलोमीटर पर यूजुअली एंटॉक में होता है, जितना भी कार्बन जमा होता है ना आपके वाल्व बोल रहा हूँ इंजन हेड पे, तो वो साफ़ किया जाता है। माय गॉड कितना धूल है यार। तो बस यही कहना था कि इट वॉज वर्थ इट, जो भी मैंने आज किया, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया अभी, तो देखते हैं क्या होता है।